हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है बायो विदेशी आई यूट्यूब चैनल ट्यूशन। आज इस वीडियो में बात की जाएगी बीए बीएससी बीकॉम साथ साथ एमएमएससी एमकॉम और सबसे महत्वपूर्ण बीएड के छात्र छात्राओं की परीक्षाओं के संबंध में क्या नई अपडेट आ चुकी है। ट्यूशन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट कर चाहूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को ऑन कर लें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ साथ आपके मन में कोई भी प्रश्न होगा तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जरूर कमेंट करिएगा, मैं आप सभी के प्रश्नों का एक एक करके रिप्लाई भी देने का प्रयास करूँगा। ट्यूशन सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ, जितने भी बीए बीएससी बीकॉम के बच्चे यानी कि सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इन सभी की परीक्षाएं कब से होने वाली, लगातार बहुत सारी वीडियोस जो भी आ रही हैं चैनल पे उस पर आप लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि सर हम सभी की परीक्षाओं की डेट क्या होगी। तो मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था, फिर से मैं बता देता हूं कि ये जो महीना अप्रैल का अभी समाप्त होने वाला है, आप सभी का टाइम टेबल अब अगले महीने में यानी कि मई में 5 तारीख के आसपास देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावना है कि विश्वविद्यालय द्वारा 5 मई के आसपास आप सभी का टाइम टेबल जारी किया जाएगा और जैसे ही टाइम टेबल जारी होगा सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट कर दिया जाएगा, साथ साथ आप सभी को टाइम टेबल भी दिखा दिया जाएगा और दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल बाय विदेशी आई पर, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। आप अभी जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको टाइम टेबल पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा जैसे ही विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया जाएगा। तो इसमें साथ साथ यहां पर जो पीजी के बच्चे यानी बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट है, रिजल्ट अभी तक विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आया, आज भी चेक किया गया है, तो आप सभी को थोड़ा और धैर्य रखना है। जैसे ही रिजल्ट आता है अगले 3 से 4 दिनों में रिजल्ट आने की पूरी संभावना है, जैसे ही रिजल्ट आता है विश्वविद्यालय की ऑफिशियली वेबसाइट पर सबसे पहले वीडियो बना के आप सभी को बता दिया जाएगा। आप सभी धैर्य के साथ बस चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन किए रहेगा। साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात कि पीजी की परीक्षाएं भी कब से होंगी और साथ साथ बीएड की परीक्षाएं कब से होंगी, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक सुनते रहिए मेरी बात को, मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पीजी की परीक्षाएं यानी कि एमएमएससी एमकॉम की जो परीक्षाएं, वो परीक्षाएं यूजी की परीक्षाओं के बाद होंगी या यूजी की परीक्षाएं जब समाप्त होने लगेंगी उसके बाद यहाँ पर आप सभी को पीजी की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, क्योंकि इस बार तीनों मीटिंग में पेपर होने वाले हैं, क्योंकि पहला सेमेस्टर भी है और साथ साथ यहाँ पर जो है दूसरा सेमेस्टर भी है और चौथा सेमेस्टर भी है यूजी का और छठा सेमेस्टर भी यूजी का और पीजी का भी दूसरा और चौथा सेमेस्टर दोनों है। तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर यूजी की परीक्षाओं के बाद ही पीजी की परीक्षाएं शुरू होंगी, तो इसलिए आप सभी की जो परीक्षाएं हैं उसके लिए भी जो टाइम टेबल है वो विश्वविद्यालय द्वारा यूजी की परीक्षाओं के टाइम टेबल के साथ ही जारी करने की पूरी संभावना है। तो अगले 4 से 5 दिनों में यानी कि 5 मई के आसपास आप सभी को पीजी का भी जो टाइम टेबल है वो देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले पीजी के रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही आप सभी के टाइम टेबल आपको देखने को मिलेंगे। साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बीएड के छात्र छात्राएं लगातार प्रश्न करते हैं हम सभी की परीक्षाओं के संबंध में क्या अपडेट है, बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर जो वार्षिक पद्धति पर अपने विश्वविद्यालय में होता है, सेमेस्टर मोड में नहीं होता है, तो यहाँ पर जो अपडेट निकल के आ रही है आप सभी की, अभी तो आप सभी का परीक्षा फॉर्म भी नहीं भराया गया है, तो परीक्षा फॉर्म को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि अगले 1 हफ्ते के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिनों के अंदर आप सभी के परीक्षा फॉर्म के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किया जाने का पूरी संभावना है। जैसे ही ऑफिशियली नोटिस जारी होगा आप लोगों का परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए आप सभी को ज़्यादा दिन का मौका नहीं मिलेगा और कुछ ही दिनों का अवसर दिया जाएगा और आप सभी लोग अपने परीक्षा फॉर्म को सही प्रकार से भरेंगे, जितने भी बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकंड ईयर के बच्चे हैं, और परीक्षा फॉर्म भरने के बाद आप सभी की परीक्षाएं भी आगे होंगी। लेकिन अभी आप सभी की परीक्षाएं जो हैं वो विश्वविद्यालय के बीए बीएससी बीकॉम और एमएमएससी एमकॉम की जो सेमेस्टर मोड की परीक्षाएं उनके हो जाने के बाद ही होंगी, यानी अभी भी परीक्षाओं में आप सभी की देरी है और यहां पर बीएड फर्स्ट ईयर की जो परीक्षा है वो संभवतः आप सभी की जो है जून में या फिर जो है जुलाई में होगी और साथ साथ यहाँ पर सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो भी जो है संभवतः उसी के साथ या फिर बीएड फर्स्ट ईयर की परीक्षा के बाद होगी, यानी कि जुलाई अंत तक या फिर अगस्त में भी हो सकती है। तो स्टूडेंट विश्वविद्यालय पूरा प्रयास कर रहा है जल्दी जल्दी परीक्षाएं कराने का, लेकिन अभी क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है इस वजह से लोकसभा के चुनाव हो जाने के बाद ही आप सभी की परीक्षाओं को आयोजित करने की पूरी जो प्रक्रिया है वो संभावित है, क्योंकि विश्वविद्यालय लोकसभा के चुनाव में भी व्यस्त है थोड़ा और उसके बाद ही आप सभी की परीक्षाएं जो है वो होंगी। लेकिन पल पल की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे ही फिर से कहीं से कोई भी नई अपडेट आती है आपको सबसे पहले बायो विदेशी चैनल पर बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।